नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? अच्छे हैं। चलिए तो सरदार पटेल सुपर 30 कक्षा 10th के लिए लेके आया है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 02 पार्ट 2 और एपिसोड नंबर 8, वो भी हिंदी मीडियम में लेकर के। बिल्कुल जी, लेके आया है। अब देखिए, तुम्हारे पास पहला पद हो गया था यानी आज से नया टॉपिक, वह टॉपिक है किसी बहुपद के शून्य अंकों और गुणांकों में संबंध। यानी आइए देखते हैं, ये एक्स प्लस बी है, इसका शून्यक माइनस बी बाई ए है। अब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स सी बाई ए इक्वल जीरो, इसका शून्य अल्फा और बीटा हो। यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इजकल टू सी बाई ए, इसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी शून्यकों का जोगफल, यानी शून्यकों का जोग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, करना चालू करेंगे। पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x+6, यानी शून्य को का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक या माइनस एट है बाई टू माइनस माइनस प्लस फोर। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अब शून्य को का गुणनफल कांस्टेंट टर्म 6 है, 2 है, कट गया 3 है। आप इसको करके देखोगे क्या ये सच्चाई है? या मध्य पद को फैक्टर करने के तरीका 3x
फाइव एक्स माइनस टू रफ आइडिया प्रोडक्ट, तीन दुना छ माइनस छ प्रोडक्ट पांच, यानी माइनस छ वन लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इससे डिवाइड कर देंगे माइनस लगा करके, तो माइनस तीन दुना छ दू, माइनस एक बटे तीन ये आंसर आएगा। अब इसी को हम फैक्टर करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही जवाब आ गया। यानी इसकी फिर से एक बार रफ आइडिया बढ़िया से समझ लो, ये प्रोडक्ट निकालोगे तीन दुना छ माइनस छ, इसकी सम सम की बात यहां करेंगे पांच है, और बात करेंगे इसकी फैक्टर के, माइनस छ को इस ढंग से तोड़ना है किसका सम पांच आ जाए, सिक्स को माइनस वन आप तुम्हारे पास इसके फैक्टर की बात करोगे रूट की जीरो की, तो इसके माइनस ए से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहां पर माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री आंसर आ गया। इस ढंग से तुम निकाल सकते हो यूनानी भाषा में रूट को अल्फा बीटा यूज करते हैं, तीसरा रूट मिलेगा तो गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अगर ये तीन का अगर हम बात करें। अब कुछ एग्जांपल इस पर हम पेश करना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर सेवन एक्स प्लस टेन का शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग दो तीन ढंग से कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस सेवन बाई वन, अल्फा बीटा इजकल टू टेन, यानी माइनस फाइव माइनस टू, बिल्कुल आपने सही पकड़ा और आंसर सही है आपका, बिल्कुल जी सही है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू जीरो एंड अल्फा प्लस बी माइनस थ्री, यानी इसके लिए माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री, बिल्कुल आपका सही जवाब है, आपने सही पकड़ा, मजा आ गया मैथमेटिक्स को करते करते। मैथमेटिक्स की दुनिया में एक द्विघात ज्ञात करना है, शून्यों का जोड़ दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री एंड अल्फा बीटा इक्वल टू टू, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो।
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, अब इसकी फैक्टर कर देगा तो माइनस वन माइनस टू, दिस इज द आंसर। मजा आ गया, मजा आ गया। तब तीन का सीखोगे कि नहीं सीखोगे? सीखोगे। देखो बाबू, हम तुम लोग से जो कहोगे वही करते हैं। के शून्य निकालना है तो यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दो दो करके लिखेगा अल्फा बीटा, अल्फा गामा बीटा गामा, सी बाई ए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर जी। अरे भाई मजा ले लिया? नहीं लिया, ले लिया। अगला है, जांच करके बताइए कि त्रिघात समीकरण में थ्री एक्स क्यू फाइव एक्स स्क्वायर इलेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो का जीरो थ्री माइनस वन बाई थ्री है कि नहीं? अरे थ्री रखने पर जीरो आ जाए, माइनस वन रखने पर जीरो आ जाए, माइनस वन बाई थ्री रखने पर भी जीरो आ जाए, और तीनों पर अगर जीरो जीरो रहा आता है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा तरीका हम बताए थे ना प्यार से, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो क्या हो गया मेरे भाई? फाइव बाई थ्री, जोर के देखो आता है क्या सर जी? हम बोलिए जी, तो तीन तिहाई नौ हुआ जी, तीन माइनस तीन प्लस तीन तिहाई नौ, नौ एक दस, दस में से तीन गया। जोरो थ्री माइनस वन बाई वन, थ्री एलसीएम तीन तिहाई नौ, माइनस तीन प्लस वन नौ एक दस, दस में से तीन गया सात आ रहा। बोलो बोलो, पांच बटे तीन क्वेश्चन ठीक बता रहे। तीन जैसे एक या तो दो माइनस एक बटे ठीक है, यहाँ क्यों नहीं है? तीन टी आई नौ, एक बटे से तीन माइनस वन, माइनस वन एक, ठीक आ रहा है, पांच बटे तीन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां हम गलती कर रहे थे। अब तुम्हारे पास प्रश्नावली का समय आ गया है, 13 मिनट 15 मिनट तुम्हारे पास हो गया है। आइए देखते हैं प्रश्नावली का करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, शुनकों का गुणांकों का बीच के संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए, यहां रफ आइडिया करेंगे, प्रोडक्ट इसका माइनस आठ है, सम माइनस टू है, माइनस चार और टू, इसको वन वाला से भागा देंगे, माइनस चार बटे माइनस वन, दो बटे माइनस वन, तो दो और माइनस यहां पर चार और माइनस दो, यही आंसर होगा। जोर के देखो, बिल्कुल सही जवाब है सर, प्रोडक्ट करके देखो यह भी जवाब सही है। चलो फैक्टर करके कर देते हैं यार, देखो एक फैक्टर कर देना, क्योंकि देखो हम मजा ला देते हैं मैथमेटिक्स को, मजा लाने के लिए
तुमको आराम से बैठ के करना पड़ेगा। ये नहीं कि घर में मामा जी आ गए, मौसा जी आ गए, तब वहां पर तुम जो है सोचने लगेगा, तो मैथमेटिक्स सीखने में दिक्कत हो जाएगा। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपको मन को एकाग्र करना पड़ेगा, एकाग्रता से बनाना पड़ेगा। जैसे न्यूटन साहब का होता था कि ब्रात भी पार कर जाता था तो पता नहीं चलता था, इसी ढंग से घर में कौन आया है नहीं आया, अपने मोबाइल पर टिका हुआ रहो, देखते रहो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, इस टाइप का बाकी सब क्वेश्चन कर दोगे यार, कर लेना यार, ज्यादा नहीं अच्छे है, कर लोगे ना, और छठा कर दे, वाह सिक्स का है कर दे, बड़ा कमेंट आ रहा है भैया छठा कर दे। यहाँ पर ये देखो बिल्कुल राफाई जाते हैं, यहाँ पर देखो 4 तिहाई 12 प्रोडक्ट -12 आ गया, और सम की बात करेंगे तो यहाँ पर सम देखो -1 हो गया, यानी इसके फैक्टर थको मत, अरे हम है ना, थकना मत है, अब शून्य गिनी जरा -4 बटा -3 यही आंसर होगा, जोर के देख लो, बिल्कुल जोर में, सही आ रहा है आंसर जी। अरे भाई बोले थे ना, यहाँ पर 3x² -4x प्लस 3x -4 फैक्टर 3x² x-4, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी x-4/3, यहाँ x-4/3, और यहाँ पर 3x+3, एक द्विभाव बहुपद ज्ञात करो जिससे शून्य का जो गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है x² अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 होता है, यही द्विघात समीकरण होता है। x² पहला में 1/4 -1 जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या पाया हमारा दोस्त, -3/4 यानी +3/4x, और गुणा करने पर पाया -1/4, 4 एलसीएम ले लो, 4x² 3x-1=0, ओ छठा बना दे, 4 अवन 4+1 बिल्कुल आपने सीख गया है, कोई दिक्कत, 3 का भी तुम लोग कर लेना यार, 4 का भी कर लो, 5 का भी कर लो, बिल्कुल करो, हम आपके साथ हैं, करते रहो मैथमेटिक्स से प्यार, करते रहो, अरे करते रहो ना, इस पर समय जैसे देखो तुम लोग का क्या होता है ना, मन नहीं लगता है, 10 प्रश्न बनाया, मामा जी आ गए, उसको देखने लो, मामा हमारी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं ना, अरे भाई शिकायत करने वाला करने दो, मम्मी को करने दो, मामा को करने दो, करने दो, उससे क्या तुम्हारे जाता है, तुम अपने कर्म करो, तुम अपने बढ़ाओ, वही शिकायत एक दिन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गया, तो अपना मन को एकाग्र करके एनसीईआरटी रेफरेंस बुक विदेशी बुक तो बनाते रखो, यही तुमको आगे चल के साथ देगा, ना कि मामा और मौसा जी, नाना जी, चाचा जी, ये सब कोई साथ देने वाला नहीं, तुम्हारे पास अपनी जो ज्ञान रहेगा, क्योंकि एजुकेशन का ये युग है, तुम्हारे पास जो रहेगा वही तुमको साथ देगा, और तुम्हारे पास वो रहेगा एजुकेशन, तुम दुनिया में हर एक चीज चोरी हो सकता है, पैसा कमा लो, या तुम्हारा कोई दिमाग को चोरी करेगा, नहीं कर सकता, उसको किनना पड़ेगा पैसा से, पैसा आ गया, आपको बता दें बिहार के हस्ते गणितज्ञ जिनकी 5 नंबर से कभी मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं आया, उसको भी अमेरिका कीना था, और शख्स का नाम वशिष्ठ नारायण सिंह था,
यानी तुम अपने ज्ञान बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।